राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले आज जिला अस्पताल के प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। इमरजेंसी गेट के सामने 2 घंटे के उपवास पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति, संविदा कर्मचारियों के वेतन सहित और कई मांगे हैं। इस मौके पर मौजूद संदीप बडोला, मनोज तिवारी, निश्चल भटनागर, शिशुपाल सिंह, हेमंत चौधरी, महेश कुमार, स्टाफ नर्स पूनम, शालिनी भटनागर ने कहा कि सरकार की ये हठधर्मी देखते हुए बैंक कर्मचारी भी परेशान हैं। वहीं अब मजबूरन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, निगम के कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्ष हो। अभी विगत दिनों हमने प्रदेश के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर प्रत्येक विभाग में गेट मीटिंग के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाकर प्रदेश सरकार का ध्यान प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करने का काम किया है। और आज इस पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उपवास रखकर प्रतीकात्मक आंदोलन के माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान इस प्रदेश की कर्मचारी समस्याओं की तरफ आकर्षित करने का काम किया। प्रदेश के कर्मचारी जो 2005 से हमारे पुरानी पेंशन से वंचित हैं, न्यू पेंशन स्कीम का लाभ जिनको दिया जा रहा है, हमारी मांग है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 2005 के बाद के कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। प्रदेश के तमाम विभिन्न संवर्गों की जो वेतन विसंगतियां 4th वेतन आयोग से लंबित हैं, वृंदा स्वरूप जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट वेतन विसंगति की सरकार के पास लंबित पड़ी है, सरकार उसको कैबिनेट में नहीं ले जा रही है, उस रिपोर्ट को उजागर किया जाए, उस रिपोर्ट को कैबिनेट में ले जाया जाए। हमारे संविदा जो आउटसोर्सिंग के कार्य कर्मचारी हैं उनको समान कार्य समान वेतन का फार्मूला उनके ऊपर लागू किया जाए। जो रिक्त पद हैं, जो नियमित रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष वरीयता देकर हमारे संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी की उनमें भर्ती की जाए। हमारे जो तमाम निगम के कर्मचारी हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ उनको दिया जाए। कैशलेस इलाज की जो सुविधा है उसमें प्रदेश के कर्मचारी को, उनके परिवार के लोगों को उसका लाभ दिया जाए। ऐसी तमाम समस्याएं जिनको लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संघर्ष कर रहा है और हमारे मुख्य सचिव से अनेकों समझौते के बाद भी शासनादेश लागू नहीं हो रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कोरोना काल में इस प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनता के बीच जाकर कोरोना को समाप्त करने के लिए कोरोना से संक्रमित जनता का इलाज किया, उस दौरान खुद कर्मचारी संक्रमित हुए, उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए, न जाने कितने कर्मचारियों की मृत्यु उस दौरान हुई। तो कर्मचारी को उत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उनके डीए को फ्रीज करके उनके तमाम भत्तों को बंद करके 50 साल की उम्र में कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्त करके कर्मचारी को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग है कि संवाद का रास्ता अपनाते हुए प्रदेश के कर्मचारी की उन तमाम जायज समस्याओं को नियमता उन पर शासनादेश लागू किए जाए और अन्यथा मजबूर होकर प्रदेश के कर्मचारी को एक कठोर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल और तमाम आवश्यक सेवाओं को बंद करने का आंदोलन भी कर्मचारी घोषित कर सके।